हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बच्चों एक जबरदस्त रिएजेंट के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बढ़िया रिएजेंट है और इसका मैं मैकेनिज्म भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जेईई मेंस के लिए तभी इस वीडियो को देख सकते हैं। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आसान है, ट्रिक टेक्निक भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। ल्यूमिक्स जॉनसन रिएजेंट है, हालांकि इस रिएक्शन का नाम भी है पर आयोडेट ऑस्मियम टेट्राऑक्सीडेशन, टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडेशन। अब इसमें जो रिएजेंट हम लोग लेते हैं वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम पर आयोडेट एसिडिक एसिड इन वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 सोडियम पर आयोडेट NaOAOI4 सोडियम पर आयोडेट एसिटिक एसिड इन वाटर। ये यहां पर इस तरीके से ये रिएजेंट हो गया। क्या हो गया? रिएजेंट हो गया। अब ये रिएजेंट किस तरीके से काम करता है? तो पहली बात, ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कराने का काम करता है। किसका? डबल बॉन्ड का, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन बीच में कुछ कहानी चलता है। क्या? जरा दिखाता हूं। देखो, जैसे ये हमारे पास कोई एल्कीन है। अब इस एल्कीन के सामने पहले जब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड लेके आओगे OS, तो यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड का मूवमेंट होगा। ये इसके साथ, ये यहां पे और ये वाला बॉन्ड यहां पे। तो अब ये इसको तुम यहां पे दिखा दो डायरेक्ट, तो इस तरीके से बॉन्ड का मूवमेंट होगा, ऑस्मिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। जरा ध्यान से देख लेना, यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद ऑस्मियम, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से इसको ऑस्मेट एस्टर बोला करते हैं। अब इसका तुम क्या कराओगे? वर्कअप कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे। जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, वर्कअप कराओगे, तो वर्कअप कराने पे क्या होगा? HOH इस तरीके से, HOH इस तरीके से आएगा। जब HOH इस तरीके से आएगा, तो जब वर्कअप कराओगे, तो वर्कअप कराने के बाद यहां पे सिस डाइओल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? चलो तुम सिस भी नहीं बोलोगे तो डाइओल बोल दो। सिस बोलने का मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है। तो वो आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे थे, लेकिन नहीं तो डाइओल भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या बनेगा? डाइओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस डाइओल पे जब सोडियम पर आयोडेट NaOI4, मतलब NaOI4 सोडियम पर आयोडेट लेके आएंगे, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करा देगा और जो तुम्हारा एल्कोहल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन कराएगा CHO और यहां पे आ जाएगा CHO, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और तुम्हारा ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं क्लियर है ऑडियो और वीडियो। तो मेरे हिसाब से ये मैकेनिज्म तुम लोगों को क्लैरिटी के साथ में समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं, तो ये तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अब डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे। तरीका मैंने पहले बताया, एल्कीन लेंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ऑस्मेट एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जब उसका वर्कअप कराएंगे तो वो सिस डाइओल का फॉर्मेशन करेगा, अगेन सिस डाइओल के ऊपर सोडियम पर आयोडेट लेके आएंगे, ऑक्सीडेशन कराएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए मैं दो तीन क्वेश्चन लिखता हूँ अच्छे अच्छे लेवल का, तो इसका पहले तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यहाँ पर मैंने जो शुरू में रिएक्शन लिखा था उसमें सोडियम पर आयोडेट का फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक था, तो सोडियम पर आयोडेट का फॉर्मूला NaIO4 होता है, ठीक है, इसको बना लेना तुम लोग। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम लोग पहली बार रिएजेंट पढ़ रहे हैं, रिएजेंट का हम लोग देखेंगे तो यूट्यूब पे जाके देखना, मैंने पढ़ा रखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब डिटेल में। तो इसी तरीके से कहानी चलता है, धीरे धीरे आता रहेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अपन क्वेश्चन को करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे फाइनल। अब अगर इसमें देखोगे तो इसका तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा। अब अच्छा, तुम सोच में पड़ जाओगे कि डबल बॉन्ड ओ कैसे लगा के सर प्रोडक्ट बना दिया? पहले तो ऑस्मेट एस्टर बनता, हाइड्रोलाइसिस करते तो डाइओल बनता, लेकिन यहाँ पे डाइओल बनने के पीछे रीजन है। यहाँ पर इस कार्बन पे देखो कि डबल बॉन्ड CH2 है, जब तुम ऑस्मेट एस्टर बनाने के बाद जब इसका तुम डाइओल बनाते
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका डाइगोल बनता, एक ही कार्बन पे दो OH आता। भाई साहब एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है तो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसको ध्यान देना, नोट कर लो, एक ही कार्बन पे दो OH स्टेरिक रिपल्सर अनस्टेबल होता है तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है तो इस केस में तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी ऑस्मेट एस्टर के बाद जो डाइगोल बनेगा ये बनेगा, अभी से डाइगोल से वाटर बाहर निकलेगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा इधर देखो, ये तो अभी हम लोगों ने किया था, इसमें क्या बनने वाला है कुछ इस तरीके से CHO इस तरीके से प्रोडक्ट लगा दो। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेसिकली, तुमको डराने के लिए सब फालतू का ग्रुप लगाया गया है। तुमको क्या करना है, पहले इसको बना लेना है, यहाँ पे इसको ऐसे बना लो, ये हो जाएगा। यहाँ पे H भी लगा लो, यहाँ पर OAC भी लगा लो, यहाँ पे C6H5 एक फिनाइल रिंग भी लगा लो, CH यहाँ पे, फिर तुम्हारा CH के बाद सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर CH के बाद तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, अभी सिंगल के बॉन्ड के बाद यहाँ देखो यही है तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH के बाद सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर CH2 फिर CHO हो जाएगा और इस तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देख रहे हो किस तरीके से कहानी चल रही है। अच्छा ये वाला जो डबल, यहाँ देखो CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पर क्या होता OH लगता, अब यही हमारा क्या किया, फिर ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया, तो यहाँ पे CH2 CHO हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। देख लो खूबसूरत क्वेश्चन था, तीनों का तीनों, तीनों अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन था। इस तरीके क्वेश्चन नीट में जेई में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।